ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग कर रहे थे। फ्लावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो है वो किसी भी पौधे का सबसे अहम और अट्रैक्टिव, खूबसूरत यानी पुरकशिश कशिश अपनी तरफ खींचने वाला एक हिस्सा होता है। इन सम प्लांट्स देयर इज़ ओनली वन फ्लावर एट अ स्टार्क। किसी फूल में ऐसे पौधे में ऐसे होता है कि एक डंडी पर, एक टहनी पर सिर्फ एक फूल होता है, जैसे कि गुलाब एक टहनी पर एक। और कुछ होते हैं जैसे यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया गया है फिगर में कि एक ही स्टाक पर एक बंच लगा हुआ है, गुच्छा सा बना हुआ है। सम फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन बंचेस, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गुच्छों की सूरत में होते हैं। लाइक मस्टर्ड, सरसों का पौधा अगर आप जहन में लाएं तो उसमें भी छोटे छोटे पीले फूलों का एक बंच लगा होता है। द स्टाक ऑफ द फ्लावर इज़ कॉल्ड पेडिसल। ये देखें, ये वो टहनी जिसके ऊपर फूल खिलता है उसको क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं द फ्लावर हैज़ फोर पार्ट्स एट द पेडिसल। फ्लावर के पेडिसल पे कितने पार्ट्स होते हैं, चार हिस्से होते हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, अच्छे से डेमोंस्ट्रेट कर चुकी हूँ। दीज अक्कर इन द फॉर्म ऑफ फोर वॉल्स, ये चार घेरों की सूरत में होते हैं। द फोर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर सेपल्स, पेटल्स, स्टैमन एंड कार्पल। सबसे पहले जो ग्रीन पत्तियाँ हैं सेपल, रंगदार पत्तियाँ जो कलर्ड पेटल पत्तियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। उसके बाद अंदर वाला घेर आता है स्टेमन और कार्पल का। स्टेमन इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके दो पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट, और जबकि कार्पल इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके तीन हिस्से होते हैं। नीचे वाला जो उभरा हुआ हिस्सा है वो है ओवरी, और उसकी लंबी सी गर्दन की तरह से एक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ स्टाइल। और ऊपर का जो फिर एक स्टिकी पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टिग्मा, जहाँ पर एंथर से आने वाले पोलन ग्रेन अटैच होते हैं, उसके स्टिकी पार्ट पर चिपकते हैं। ठीक है, ये था। अब हम देखते हैं इसकी डिफरेंट फीचर्स को, यहाँ आपको टेबल की फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको जो आउटर मोस्ट लेयर थी, घेरा था, वर्ल्ड था, उसका नाम है सेपल। इसकी क्या खूबी है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। दीज आर ग्रीन लीफलेट्स, ये छोटी सब्ज पत्तियाँ होती हैं। सेपल्स फॉर्म द फर्स्ट वर्ल्ड, ये सबसे पहला घेरा बनाता है। इसका फ़ायदा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसका फंक्शन क्या है। दे प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर, ये अंदर वाले स्ट्रक्चर को महफूज रखते हैं, स्पेशली इन द बर्ड फॉर्म, जब बर्ड की हालत में होता है वो छोटी कोम्पल सी बनी हुई होती है, जब उसकी द पेटल्स उसके अंदर वाला सेकंड वर्ल्ड किसका है। दीज आर कलर्ड लीफलेट, ये रंगीन पत्तियां हैं। पेटल्स फॉर्म द सेकंड वर्ल्ड, ये दूसरा घेर बनाती हैं। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स टूवर्ड्स द फ्लावर, इनका काम क्या है, हशरात को और परिंदों को अपनी तरफ कशिश करना या अपनी तरफ मतवज्जे करना, खींचना। थर्ड वर्ल्ड इज स्टेमन, नेक्स्ट जो है इसका घेर, इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, जैसे मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था। यहाँ ये स्टेमन है, ये जो आपको एक पीला ऊपर सिरा उसका फूला हुआ नज़र आ रहा है और नीचे एक टहनी है, ये स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके दो हिस्से हैं, एंथर और फिलामेंट। ये देखिए, एंथर और फिलामेंट ये मेल रिप्रोडक्टिव के दो पार्ट हैं। ये इसकी टहनी फिलामेंट और ये ऊपर एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर इट इज राउंड और ओवल सैक शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज यूजुअली येलो इन कलर, अमूमन इसका रंग पीला होता है, और ये मोटा सा और उभरा हुआ गोल भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। सैक शेप पॉकेट की तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। फंक्शन क्या है इसका, हेयर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, छोटे छोटे दाने बनते हैं, और इसके नीचे डंडी है जिसको कहते हैं फिलामेंट। इट इज़ लॉन्ग स्टाक शेप्ड स्ट्रक्चर, ये एक टहनी की नुमा का स्ट्रक्चर है और लंबा होता है। इट गिव सपोर्ट टू द एंथर, इसका काम क्या है, एंथर को सपोर्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसका जिसका नाम है कार्पल। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कार्पल को देखते हैं, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसके तीन हिस्से हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
ऑफ द फ्लावर। इसके हम तीन हिस्सों को देखते हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, जैसे मैं आपको पहले कई बार पढ़ा चुकी हूँ। इट इज़ बॉटल शेप्ड पार्ट ऑफ द कार्पल, बोतल की तरह का इसका एक सिरा है। इसका काम क्या है, पोलन ग्रेन्स अट्रैक्ट एडहियर टू इट, पोलन ग्रेन्स आकर इस पर एडहियर चिपक जाते हैं एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द पोलन ट्यूब, और वहाँ उसमें से पोलन ट्यूब निकलती है। उसके बाद है गर्दन नुमा स्ट्रक्चर है इसका, इट इज़ नेक शेप पार्ट ऑफ द कार्पल व्हेन विच इज़ बिलो द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा से नीचे वाला और कैसा हिस्सा है, स्टिग्मा के नीचे वाला गर्दन नुमा हिस्सा है, गर्दन की तरह का एक हिस्सा है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये क्या था, स्टिग्मा, और ये गर्दन की तरह से ये इसका स्टाइल है, ठीक है। और नीचे जो उभरा हुआ हिस्सा है ये इसकी ओवरी है, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और यहाँ पे आकर पोलन ट्यूब पहुँचती है और पोलन ग्रेन को शिफ्ट करती है। पोलन ट्यूब पासेस थ्रू द स्टाइल, वो पोलन ट्यूब कहाँ से गुजरती है, इसी स्टाइल के अंदर से गुजरती है, ओवरी। इट इज़ एन ओवल शेप पार्ट ऑफ द कार्पल विच इज़ बिलो द स्टाइल, ये एक बेसवी या उभरा हुआ हिस्सा है कार्पल का, और इस पर क्या होता है, विच इज़ बिलो स्टाइल, ये स्टाइल के निचले वाला हिस्सा है। इट हैज़ वन और मोर ओव्यूल, इसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, और फ्लावर्स एंड सीड्स का हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से याद करना है, और इसके आपने स्ट्रक्चर, इसके डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की प्रैक्टिस करनी है, और इसके सारे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं उनको आपने लर्न एंड राइट करना है। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, के साथ इनको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।